बात होगी हरियाणा की, क्योंकि बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जमकर कमाल किया। इस बीच हरियाणा में पहलवानी चुनाव दंगल से अखाड़े में उतरी विनेश फोगाट ने अपनी जीत पक्की की, तो दूसरी तरफ जम्मू की मुस्लिम बाहुल सीट किश्तवाड़ में शगुन परिहार बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब रही। इस रिपोर्ट में आप देखिए, ओलंपिक की कुश्ती से सियासत के दंगल में कदम रखने वाली विनेश फोगाट ने जुलाना में जीत का परचम लहरा दिया। 6,000 से ज्यादा वोटों से जुलाना का मुकाबला जीत विनेश फोगाट ने सियासत में सफल एंट्री कर ली। अगर जुलाना के नतीजों पर नजर डालें तो 65,080 वोटों के साथ कांग्रेस के विनेश फोगाट ने जीत हासिल की। बीजेपी के योगेश कुमार ने कड़ी टक्कर देते हुए 59,065 वोट हासिल की और आईएनएलडी के सुरेंद्र लाठर 10,158 वोट हासिल कर तीसरे नंबर पर रहे। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक तो लगा ली, लेकिन विनेश फोगाट ने अपने पहले चुनाव में जीत कर विधायकों की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही। जुलाना सीट कांग्रेस के खाते में गई और जीत की खुशी नजर आई विनेश फोगाट के चेहरे पर। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जुलाना में विनेश फोगाट ने जीत का जुलूस निकाला, तो दूसरी तरफ जम्मू में मुस्लिम बहुल सीट किश्तवाड़ से बीजेपी के लिए खुशखबरियां। मुस्लिम वोटर्स के दबदबे वाली सीट किश्तवाड़ से बीजेपी की शगुन परिहार ने जीत का परचम लहराया। 29,053 वोट हासिल कर शगुन परिहार ने किश्तवाड़ में कमल खिलाया। करीबी मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू 512 वोटों से हार गए। जम्मू में बीजेपी का जलवा कायम है। किश्तवाड़ में बीजेपी की शगुन परिहार ने कमल खिलाते हुए बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। मुस्लिम बहुल्य सीट को परिहार ने भगवा रंग में रंगते हुए साफ कर दिया कि जम्मू के मुस्लिमों का बीजेपी पर भरोसा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।